हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कभी गर्मी तो कभी बारिश का ज़रूर मज़ा ले रहे होंगे। जब भी हम हमारे प्लांट्स को अच्छे से नहलाते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि वो मुस्कुराकर हमसे कुछ कहना चाहते हो? और जब हम हमारे बिजी शेड्यूल के कारण उनके तरफ ध्यान नहीं दे पाते तो मानो ऐसा लगता है वो हमसे कुछ नाराज़ से है, जैसा कि मुझे लगता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्थ की राम भगवान की तैयारी और मूंग दाल पकौड़े की रेसिपी, वो भी एक सीक्रेट मसाले के साथ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मूंग की दाल को मैंने रात में ही भिगोने डाल दिया था। आप चाहे तो इसे 3 से 4 घंटे पहले भी भिगोने डाल सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल को भीगने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दाल को अच्छे से धोने के बाद मैं इसे छन्नी में निकाल रही हूँ। और अब बात आती है इसे ग्राइंड करने की, तो इसके लिए मैं इसी में डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची, कुछ अदरक लहसुन के टुकड़े और थोड़ा बहुत डाल दूंगी ताज़ा हरा कड़ी पत्ता। तो अब बारी आ चुकी है इन सभी को मिक्सर ग्राइंडर में डालने की। मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अब हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर ने तो अपना काम कर दिया और अब मैं अपना काम कर रही हूँ इसे एक बाउल में निकाल कर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पेस्ट बना है वो ना तो ज़्यादा कड़क है और ना ही बहुत ज़्यादा महीन है। पीसते समय मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि ये एकदम कड़क ना रहे और जब हम पकौड़े तले तो वो कड़क ना रहकर थोड़े सॉफ्ट बने। तो इस तरह से मैंने सभी मूंग दाल का पेस्ट बना लिया है। अब बारी आ चुकी है उस सीक्रेट मसाले को बनाने की। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब सौंफ, 2 चम्मच के करीब खड़ा धनिया, 1 छोटे टेबल स्पून के करीब काली मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच के करीब जीरा। और अब हम इन सभी खड़े मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अब बारी आ चुकी है इन सभी सूखे मसालों को भी मिक्सर ग्राइंडर में डालने की। सीक्रेट मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इस मसाले को डाल देंगे हमारे मूंग दाल के पेस्ट में। मसाले के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ऑल टाइम फेवरेट हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू कर देंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें मूंगोड़े डालना शुरू करेंगे। आपके चॉइस के हिसाब से छोटा बड़ा, आपको जो भी साइज पसंद है उस साइज के पकोड़े तलिए। पहले तेल को हमें अच्छे तरीके से गरम होने देना है और फिर मीडियम फ्लेम पर ही पकोड़ों को तलना है। मीडियम फ्लेम पर पकोड़े तलने से क्या होता है कि पकोड़े एकदम इवनली तलने में आते हैं। अदरवाइज अगर हम हाई फ्लेम पर पकोड़े तलते हैं तो वो बाहर से तो अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाते हैं बट अंदर से काफ़ी कच्चे रहते हैं। 50% तो पकोड़े तल चुके हैं, अभी और थोड़ी कसर बाकी है तो इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए पकोड़ों का कलर ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम सारे पकोड़ों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। मूंग दाल पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो मुझे तो चाय के साथ ये पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पार्थ को हम तैयार कर रहे हैं हनुमान जयंती, नहीं नहीं हनुमान जन्मोत्सव के लिए।
और पार्थ इसमें बन रहा है भगवान राम। आजकल एक मैसेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हमें हनुमान जयंती नहीं हनुमान जन्मोत्सव कहना चाहिए। दरअसल जयंती और जन्मोत्सव दोनों का तात्पर्य जन्मदिन से होता है, लेकिन जयंती का प्रयोग हम उन लोगों के लिए करते हैं जो जीवित है ही नहीं। लेकिन अगर बात भगवान हनुमान जी की हो तो उन्हें कलयुग का अमर देवता माना गया है, इसलिए हमें हनुमान जयंती ना कहकर हनुमान जन्मोत्सव कहना है, क्योंकि हनुमान भगवान हमेशा के लिए अमर है। देखिए पार्थ के सभी दोस्त कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं, कोई सीता, कोई हनुमान तो कोई राम बनकर आया है। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहे। इसी के साथ मेरा आज का यह वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।